चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हैप्पी वेंसडे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बसी ट्रैवल टॉक। लेके आया हूं एक नया ब्लॉग। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हां, चले जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, मन का पता चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे मैं ना दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, मेरे स्कूल कॉलेज दोस्त सब यहीं के हैं। तो ना मैं कुछ साल मुंबई रहने चला गया था, और जितने टाइम मैं मुंबई में था ना, मैं दिल्ली की जो एक चीज़ मिस करता था ना, वो है यहाँ का खाना। ठीक है, वो बहुत डिबेट होती है ना कि वो नहीं मुंबई में भी मिल जाता है। इतना ढूंढना पड़ता है यार, यहाँ जाओ नाले के ऊपर क्या छोले कुलचे मिल रहे हैं, मस्त बढ़िया स्वादिष्ट। तो मैं जब भी वापस आता ना दिल्ली किसी काम से, मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड होते थे कि आकाश आ रहा है, आकाश प्लान बना लो, प्लान फुल खाने का प्लान। यार वो आइटनरी बना लेते थे पूरी, सुबह सुबह चांदनी चौक नटराज के दही भल्ले, दोपहर को परांठे वाली गली, रात को करीम्स का चिकन, उसके बाद उल्टी। क्योंकि दिल्ली के लौंडे खाते नहीं है, ठूसते हैं। यहाँ यहाँ तो ठूस लेंगे, उसके बाद उल्टी करके भी एक बंदा बोलेगा भाई शाही टुकड़ा खाने, थोड़ा मुंह का फ्लेवर ठीक हो जाएगा, भूख है। ऐसे खाते जैसे कल मौत हो जाएगी हमारी, भाई ओवर ईटिंग हो गई है, अब तो मत खा। देखो मोमोज चटनी में डिप करने होते, हम चटनियां उठा रहे हैं, दिल्ली के लौंडे लिक्विड उठा रहे हैं भाई, फुल बुक है। तो मेरे दोस्त कहते चल चल तेरे को ना हम पान खिलाते हैं। मैं कहा मुझे नहीं खाना। कह रहे नॉर्मल पान नहीं है। हाँ मैं घर से याद करके आया, मुझे सुनाने दो, क्विज नहीं चल रही है जो गैस कर रहे हैं। फायर पान, इससे पहले गैस कर दिया, अब क्या करेगा फायर पान। मैंने गैस किया है, कहाँ है मेरा बॉर्नविटा क्विज हैम्पर, फायर पान। मैं आइस पान की बात कर रहा था। टायर पैन। तो वो मुझे ले गए एक शॉप पे, मुझे नहीं पता था ये सब यार। वहां पे एक शॉप पे ऐसे वैरायटी ऑफ पान मिल रहे हैं, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। फिर उनको लगा लाइफ में एडवेंचर थोड़ा कम है, नॉट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आइस पान बनाया। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक पान का पत्ता लेते हैं, उसमें 150 किलो बर्फ डालते हैं और आपके मुंह में दे देते हैं। ये पान खिलाया या ऑफर ही नहीं किया जाता, दे ही दिया जाता है। देखो नॉर्मल पान खाने का क्या प्रोसेस होता है, आपने लाइफ में कभी भी पान खाया हो, आप पनवाड़ी को जाके बताते हो कि आपको कैसा पान खाना है ना, आप वहाँ खड़े होकर बनवाते हो कि बनाइए भैया, मीठा डालिए और डालिए और हाँ मैं मरना चाहता हूँ, डालना जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे यार। आप अपने हिसाब से पान बनाते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ अगर आपको आइस पान खाना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पनवाड़ी के 5 मीटर के रेडियस में आ जाना, और तुम्हारे मुंह से भी निकल गया ना आइस पान, एक उड़ता हुआ हाथ आएगा और तुम्हारे मुंह में जाएगा। मुझे लगता है इसका नाम आइस पान नहीं, इसका नाम सरप्राइज पान होना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी इन दुकानों पे हूँ ना, 3-4 लौंडे इसी एक्सप्रेशन के साथ घूम रहे होते हैं, ये ऑन है, ये क्या है, ये ऑन है, ये क्या ऑन है यार, ओ भाई जोड़े छन्ना में यार, कहाँ छिन्न हो गया भाई, ये कैसे ऑन है। वो पनवाड़ी भी बहुत चलाक होते हैं, पता है वो दुकान के अंदर बैठ के पान नहीं बना रहे होते, दुकान के बाहर हाथ में पत्ता लेके घूम रहे होते, स्कैन ले रहे होते हैं ऐसे, आइस पान, अच्छा, अरे आ गया रे धंधे। लोग वहां से नॉर्मली निकल रहे हैं, हाँ यार वो तो परसों की बात। यार सिगरेट लेने आया था, अब गीली सिगरेट कहे यू हाले आंडू। आपको कभी आइस पान खाना ना और आपको नहीं पता है कहाँ मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनॉट प्लेस जाना है और वहाँ दुकानों के बाहर जा जाके पूछना भैया आइस पान, आइस पान यहाँ है, इतनी देर से ढूंढ रहे थे, आ जाओ मिल गया भैया, 3 लगा दो यही वाले। हाँ बढ़िया भैया, भैया डांटे में झंझनाहट हो रही है, एक पट्टे पे सैंसोडाइन लगा के दे दो। हाँ बढ़िया, टॉन्सिल बुखार आ गया, मुझे ही आ गया है।
फिर उनको लगा लाइफ में अभी भी एडवेंचर कम हो रहा है, तो उन्होंने फायर पान बनाया. थैंक यू फॉर योर सजेशन. फायर पान में पता क्या करते हैं, पान में आग लगाते हैं, जलता हुआ ज्वाला छोड़ता हुआ पान आपके मुंह में डाल देते हैं. मैं कहा भाई साहब एक बात बताइए, आप पनवाड़ी हैं कि रोडीज के टास्क हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं सेलेक्ट होना है यार. कह रहा खा लो खा लो, एसिडिटी खत्म हो जाएगी. मैं कहा हाँ, जब आंतड़ियाँ ही नहीं बचेंगी तो एसिडिटी कहाँ बनेगी. आ जला मेरा इसोफेगस, आ ओ ये धुआं था. पता है आप ये पान खाओ अगर अब किसी ने ट्राई किया तो आपको पता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता किसका क्या फ्लेवर है. जैसे नॉर्मल पान खाते ना एक टेस्ट आता है, एक फ्लेवर आता है, इसमें समझ नहीं आता कि खाएं चूसें चबाएं हाँ. फिर भी ये पान बहुत वायरल है. क्यों? क्योंकि यहाँ ना ये सारी यंग यंग कपल पहुंचे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते रहते हैं. ये ना 17-18 साल वाली आशिकी निब्बा निब्बी, ये घर से तैयार होकर जाते हैं आज आज एक आइस पान और 3 इंस्टाग्राम स्टोरी. वहां पे बंदा ना उसका ऐसे रेडी होता है स्टांस लेके, उसकी बंदी फोन लेके, भैया डालिए विशाल के मुंह में बूमरैंग बनाएंगे आज. वहां बूमरैंग बन रहे हैं. वीडियो सही नहीं है दोबारा डालिए. पर एक बहुत अच्छी चीज इस पान के बारे में, जैसे नॉर्मल पान खाओ ना आपके हाथ हाथ पे चिप चिप लग जाता है या कभी हाँ लग जाता है, ये बहुत हाइजीनिक पान है. इसमें आपके हाथ यूज ही नहीं होते हैं, इट्स अ हैंड्स फ्री पान. पनवाड़ी अपने हाथों से आपको खिलाते हैं और टिश्यू विश्यू के साथ खिलाते हैं बकायदा, और लास्ट मोमेंट पे अपनी उंगली आपके मुंह में डाल देते हैं. मैं कहा भाई साहब ये टिश्यू का प्रिटेंस क्या कर रहे हैं आप, ये मेरी थड्डी साफ करके क्या मिलेगा आपको, उंगली बाहर निकालिए. और पनवाड़ी की उंगलियां ना पान बना बना के इतनी लाल हो गई होती, मुझे लगता है अपनी बीवी की मांग ऐसे भर देता होगा. कहाँ जा रहे हो, मार्केट श्रृंगार कर रहे हो. आज जब वो उंगली लेके मैनीक्योर कराने जाता होगा सलून में, उनकी क्या फट लेती होगी ना, ये करना है. एक काम करो, आसपास के जितने सलून है ना सबको बुला लो, केस स्टडी आइए. मैंने अपने 15 साल के मैनीक्योरिंग करियर में ऐसी उंगली नहीं देखी. सर इसको काटना पड़ेगा. अरे शट अप, सैनिटाइज कर दो इसको. सैनिटाइज सर, सैनिटाइज उन लोगों के मुंह होंगे जिसमें ये उंगली गई है. आपकी उंगली गंदी. और पनिशमेंट की टाइम, मैं चेखूंगा तेरा भाई. थोड़ी सी मोटी है ठीक है, लेकिन मोटी वाली क्यों आई है मेरे हाथ में, पतली वाली भी तो आ सकती थी, लेकिन नहीं. ये ट्रॉफी है, वाकई में ट्रॉफी है. अभी हरी मिर्ची का क्या करूं, खा ही लेता हूं. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें.